ऐसे अच्छे से डॉक्टर्स हैं, लेकिन बस एक बात होती है ना शिफा आने की, आपको कहीं छोटी सी भी जगह से आ जाती है, और वो कोई इतने बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, छोटी सी क्लिनिक है, लेकिन जो उनकी मेडिकेशंस है वो सिर्फ उन्हीं की क्लिनिक से मिलती, कहीं और से नहीं मिलती। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मैंने सेकेंड चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन प्रेस कर लो, मेरी न्यू वीडियो भी आप वॉच कर सको, आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम से। और आज मैंने जाना है वहाँ डॉक्टर के पास, तो उसका जो जिन लोगों को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो उसका व्लॉग आपको सेकंड चैनल में मिलेगा, और मेरे सेकंड चैनल का जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर जाके देख लेना, ठीक है। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, मुझे वहाँ से आराम मिला, मैं ठीक हो गई। तो काफ़ी लड़कों को ये प्रॉब्लम होगी, तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उन्होंने ही मुझे वहाँ का बताया था, और उसकी भाभी को भी ये प्रॉब्लम थी, तो अब उनके माशा से भाभी के 3 बेबीज़ हैं। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी वो डॉक्टर के पास जाने के लिए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो उनका एड्रेस और वहाँ का व्लॉग मैं आपको अपने सेकेंड चैनल पर शेयर करूँगी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आप लोगों को, तो लाजमी आप लोग विज़िट करना। और जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है, खुदा उसको उस प्रॉब्लम से शिफा दे। तो बाकी फुल व्लॉग आपको मेरे उस चैनल पर मिलेगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं हर डिटेल में। तो अभी मैं रेडी होंगी और जाऊंगी फ्रेंड के घर पे, उसी के साथ जाना है मुझे डॉक्टर के पास, और माशाल्लाह से वो भी अभी प्रेग्नेंट है, और उन्होंने भी वहीं से अपना ट्रीटमेंट करवाया था। तो काफ़ी ऐसे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन बस एक बात होती है ना शिफा आने की, आपको कहीं छोटी सी भी जगह से आ जाती है, और वो कोई इतने बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, छोटी सी क्लिनिक है, लेकिन जो उनकी मेडिकेशंस है वो सिर्फ उन्हीं की क्लिनिक से मिलती, कहीं और से नहीं मिलती। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे सेकेंड चैनल पर मिल जाएगी, मैं वहाँ पर व्लॉग शेयर करूँगी, उनका एड्रेस नंबर वगैरह और बाकी व्लॉग वहाँ पर शेयर करूँगी। और जो भी मतलब मेरे रिलेटेड है कोई प्रॉब्लम, तो वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं ठीक हो गई, तो आप सब भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन लड़कियों को प्रॉब्लम है वो परेशान नहीं होना, हर चीज़ का हल होता है ज़िंदगी में, खुदा ने हर चीज़ का हल लिखा होता है। तो मैंने तो यही सीखा है अपनी लाइफ में कि ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो आपको उससे लड़ना है, फ़ाइट करनी है, आगे बढ़ना है। तो आज मैंने जाना है चर्च भी, क्योंकि माशाल्लाह से सैलरी आ गई है, और मेरी आदत है, मेरी जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले मैं खुदा के घर में देती हूँ। जैसे हम क्रिश्चियंस में हैं कि हमारे मतलब हम क्रिश्चियंस में, हमारे मज़हब में, हमारी क्रिश्चियनिटी में ये है कि जो आपकी सैलरी आती है उसका 10वां हिस्सा हमने खुदा के घर में देना होता है। 10वां हिस्सा दो या जितना भी आप दे सकते हो, आप मतलब आपकी कोशिश आप दो, और जब तक मैं नहीं देती मेरे तो पैसों में बरकत नहीं आती, जब देती हूँ तो बहुत बरकत आती है, खुदा बहुत बरकत देता है, मदर मेरी बहुत चीज़ों से नवाजती है, मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ बहुत बहुत। और मैं जो कुछ भी मदर मेरी की वजह से, उसने बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सपोर्ट किया है, मेरी दूसरी माँ है वो, तो और वो मदर मेरी की मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, हर वक्त मेरे सामने रहती है, एक ये मेरी माँ है और एक ये मेरी माँ है, दोनों मेरी माएँ मेरी नज़रों के सामने रहती हैं एनी टाइम, दोनों मेरी माएँ। तो अभी मैं होती हूँ रेडी, तो फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ किसी घर पे, और बहुत अच्छा लगा आकर। तो घर से निकल वैसे वीडियो नहीं, गर्मी बहुत होती, मैं जल्दी जल्दी रेडी होकर निकली हूँ, तो बस यही मेरे साथ बन लेना, फिर हम क्या क्या करते हैं आपको बताऊंगी। अभी वो सरप्राइज लेकर आई हूँ, देखेंगे तो खुश हो जाएगी। सो आज बिना रोमी की आई हूँ, तो बड़ा अजीब लग रहा है, तो खैर है, कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस होना करना अच्छा लगेगा तुझे। आराम से आराम से, धीरे से, कुछ नहीं होता। अच्छा लगा? वाओ तो बोल। वाओ। तो क्यों रहा ये सवाल जी? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगेगा, लगा तो मुझे बहुत अच्छा। और तेरा और भाई का नाम भी लिखा है। हाँ, सी यू मैंने देख लिए हैं। देखो ना, लंबा बनाया भाई की तरह, सी यू। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अभी हम इसको कट करेंगे, अच्छे से तैयार होना, तो पिक्चर्स बनाएंगे साथ, फायर कैंडल भी लेकर आएंगे, मिलके केक कट करेंगे। कंग्रेट्स टू बी मॉम। और आप सबने मेरी बेस्ट फ्रेंड की दुआ करनी, खुदा का सब अच्छा अच्छा करे, और बस ठीक बन जाएगा, चॉकलेट भी बन जाएगी। थैंक यू सबा, वेलकम। एक और चीज़ बुलाई थी,
पता मैं इतने टाइम से लेके रखा हुआ था, मेरे आने नहीं था हो रहा। तैयार हो के ना फिर हम कट करेंगे। इतना सब तो वैसे फ्रेंड्स के घर पे आने का ही फायदा तो होता है, तो मैं मैंने से मना भी किया था कुछ वक्त करना, डॉक्टर ने रेस्ट का बोला है इसकी हालत ऐसी है। तो भाई खुदा सबको 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 जो है ना बेबी दे, ये बहुत मतलब खुशी वाली बात होती है। तो अभी खाना वाना हम इंजॉय करते हैं, आप सब साथ भी ले लेना। तो फिर उसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ब्लॉग मिस नहीं करना, वो आपको मेरे सेकेंड चैनल पर मिलेगा, रिसिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर। क्या क्या बना लिया यार, मैं तो तंग कर दिया आके। ये क्या है? और ये कढ़ाई बहुत टेस्टी बनाती है, मतलब जब हम साथ जॉब करते थे ना घर से, तो अक्सर मुझे बना कर देती फ़ौरन उसी टाइम फ्रेश फ्रेश। टाइम टू कि हम लोग केक कट करें, और ये इनकी सिस्टर इन लॉ है, इनसे भी मिलो, तब जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है सिस्टी। आ जाओ तो बहुत ज़्यादा हम चैलेंज भी करेंगे, सही है? ठीक है, सो अभी हम करने लगे हैं केक और केक निकाल लिए यहाँ पर, इसको लगाते हैं कैंडल। बस अभी हम निकल रहे हैं बाहर, और आपको जैसे कि बताया था जाना है हॉस्पिटल, तो यूँ ही मेरे साथ भी रहना है आप लोगों ने। मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा। आज का व्लॉग मैं अभी यहीं पर एंड करूँगी, और मेडिसिन वगैरह जो है ना वो मैंने ले ली है, और जिस किसी ने पूरा जानना है कि डॉक्टर ने भी मुझे क्या बोला, मेरा वेट कितना कम हुआ है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा सेकंड चैनल का, तो वहाँ पर वॉच कर लेना, पूरी डिटेल में मैं हर चीज़ आपको बता दूँगी, ठीक है? और आज मैं आई थी यहाँ पर क्योंकि इन्होंने मुझे ट्रीट दी थी, और थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद शायद हो जाए, अभी तक हो गए हो, देखो सर नेट ऑन करके मेरे 80,000 कम्प्लीट हो गए। देखो दो सब्सक्राइबर रह गए, और दो सब्सक्राइबर रह गए, जल्दी से कर दो, मुझे बहुत इंतज़ार है। और ये आ गए थे मुझे लेने के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ना, तो मैंने उनको पता मुझे पिक करने आओ, तो फिर इन्होंने खाना वाना भी खिलाया। तो ये देखो दो सब्सक्राइबर रह गए, और जो कर दो यार, नहीं करो ऐसे हो जाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्यार दिया मुझे, और आप कल आप लोग को सरप्राइज होगा, तो वो भी व्लॉग आप लोगों ने फुल वॉच करना है, और इनको बहुत सारा सपोर्ट करना है, मुझे नहीं और इनकी कितनी सैलरी आई है वो आज इनके व्लॉग में पता चलेगा, जाने के लिए व्लॉग में जाना। रोमी आरटी व्लॉग काफी लोग जानते होंगे, और काफी लोग मींस के जो नहीं जानते उनको बता दूं, मैं एक बात बताऊं, जानते सभी ऐसा नहीं है, लेकिन पता क्या, देखता कोई कोई अपनी मर्जी वैसे, देखो जिसको जो पसंद कर, आपको जितने लोग देखते हैं आपको पसंद करते हैं आपको देखते हैं, मुझे जितने लोग पसंद करते हैं उतना देखते हैं, तो कोई बात नहीं, जितने मुझे पसंद करते थैंक यू सो मच। और बाकी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।